हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने पास वीवो वाई 200 5G स्मार्टफोन, और आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग वीवो वाई 200 5G फोन की आप लोग कैमरा सेटिंग को किस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो जब कभी क्या होता है, आप अपने फोन के कैमरा को यूज कर रहे होते हो, तो उस टाइम कुछ सेटिंग्स है जो ऑन ऑफ हो जाती है, जिससे हमारी कैमरा सेटिंग काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो आपको यहाँ पे इसकी कैमरा सेटिंग को किस तरीके से ठीक करना है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। आपको कौन सी सेटिंग करनी होगी, किस तरीके से करना है, सारी जानकारी आपको स्टूडियो पे मिलेगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली सबसे पहले यहाँ पे अपने फोन के कैमरा ऐप को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे अपने फोन के कैमरा ऐप को ओपन कर लिया है, आपको भी सिंपली से ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। नीचे भी आपको काफी सारे ऑप्शन है वो देखेंगे, ऊपर भी आपको काफी सारे ऑप्शन देखेंगे। तो ऊपर आपको साइड में ऊपर 3 डॉट का आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक मोर सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग के आइकन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो मोर का सेटिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपली से जो मोर सेटिंग का ऑप्शन है ना, सिंपली से आपको मोर सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको अपनी फोन की कैमरा सेटिंग की तरफ। आपके फोन की जितनी भी कैमरा सेटिंग है, सारी कैमरा सेटिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली से क्या करना है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे सबसे लास्ट में आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो नीचे आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है रीसेट का, तो आपको सिंपली रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो रीस्टोर आर कैमरा सेटिंग एंड कंफर्म करने के बोलेगा, तो सिंपली से आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आई एग्री करके आपको सिंपली से एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फोन की जो कैमरा सेटिंग है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। आप सिंपली एक सेटिंग को ऑन करके आप अपनी फोन की कैमरा सेटिंग को ठीक कर सकते हो।